Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And I am going to discuss a very relevant and up-to-date topic, that is difference between multidisciplinary and interdisciplinary education. And the lecture will be in bilingual mode, and do subscribe my channel to get all my future videos too. And this topic will be very useful for your conceptual understanding as well as various competitive examinations too. So let's start. सबसे पहले multidisciplinary और interdisciplinary education आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गया है, जब से NEP 2020 आया. मतलब पहले भी था, लेकिन अब बहुत ज्यादा प्रचलन में हम लोग रोजमर्रा में, बातचीत में, क्लास में, लेक्चर में बोल देते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी हमको अप्रोच लेनी है. NEP 2020 ने कहा है कि आप मल्टीडिसिप्लिनरी हो जाइए, ऐसी बातें की गई हैं. लेकिन जनरली हम लोग मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी के अंतर को नहीं समझते हैं और एक दूसरे की जगह दोनों को यूज कर देते हैं, इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए. बेसिक अंतर है दोनों में, पर मोटा मोटा सरफेस लेवल पर हम क्या जानते हैं कि मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी मतलब बहु अनुशासनात्मक और अंतर अनुशासनात्मक जो शिक्षा है, उसका मोटा मोटा अर्थ यह है कि कई सारे विषयों को एक साथ पढ़ना पढ़ाना है. लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस है और हमको एजुकेशन के फील्ड में होते हुए तो जरूर क्लियर होना चाहिए, और ऐसे भी हर किसी को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर किसी का नाता है, कोई भी इससे अछूता नहीं है. ओके, तो जाने क्या है मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन. इट इज अ यूनिक एजुकेशनल अप्रोच दैट अलाउज दी स्टूडेंट्स टू लर्न एंड एक्सप्लोर डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट्स और करिकुलम फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स. आसान है, मतलब ये एक उस तरीके की शैक्षिक उपागम है जो ये अनुमति देता है स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, कि वो सीख सकें, एक्सप्लोर कर सकें विशिष्ट विषय और पाठ्यक्रम वेरियस डिसिप्लिन्स. यानी कि सॉरी मतलब जैसे आजकल बहुत प्रचलन में आ गया ना कि आप चुन सकते हैं अपना, आप बायो, आप फिजिक्स पढ़ते पढ़ते आप फिलोसफी भी पढ़ सकते हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते हिंदी भी पढ़ सकते हैं, इस तरीके की बात की गई. तो किसी एक हमको डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट्स और करिकुलम को वेरियस डिसिप्लिन के थ्रू कैसे पढ़ा जा सकता है, ये अनुमति देता है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन. इट इज ए मेथड ऑफ करिकुलम इंटीग्रेशन. तो एक तरीके से ये क्या है, पाठ्यक्रम का एकीकरण है. दैट हाईलाइट्स द डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स दैट डिफरेंट डिसिप्लिन्स कैन ब्रिंग टू इलस्ट्रेट अ थीम, सब्जेक्ट और इश्यू. मतलब सॉरी कोई एक पर्टिकुलर थीम हो सकती है, कोई एक ऐसा विषय हो सकता है, कोई एक ऐसा इश्यू हो सकता है जिसको हम डिफरेंट डिसिप्लिन्स के पर्सपेक्टिव से देखें. जैसे वर्षा रेन है, उसको आप ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखिए, आप इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से देखिए, मतलब कॉमर्स का व्यक्ति देखे, स्टूडेंट देखे कि बारिश हो जाएगी तो अच्छी वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी तो इकोनॉमी बढ़िया होगी तो ग्रोथ अच्छी होगी. ज्योग्राफी वाला कि वो कहाँ से कौन सा वायुदाब कहाँ बना है, कहाँ पक्षों किस तरीके की पवन है, किस वजह से हो रहा है ना. सोशियोलॉजी का व्यक्ति देख सकते हैं, हर तरीके का, मतलब एक हम आस्पेक्ट को डिफरेंट डिसिप्लिन से देख रहे हैं. ओके, तो लेकिन सिर्फ इतना ही है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन. इट इज द कंजॉइंटमेंट ऑफ डिसिप्लिन्स. हमने डिसिप्लिन्स को जोड़ा है विदाउट एनी इंटीग्रेशन और सिंथेसिस ऑफ नॉलेज फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स. लेकिन जो विशिष्ट विषय थे उनके ज्ञान का हमने संश्लेषण नहीं किया, ज्ञान का एकीकरण नहीं किया, सिर्फ करिकुलम को जोड़ दिया उठा के. मतलब जब आप इंटर डिसिप्लिनरी को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे वो इससे वन स्टेप अहेड है. यानी मल्टीडिसिप्लिनरी एक लोअर लेवल पर है और इंटरडिसिप्लिनरी उससे ऊपर के लेवल पे है. तो इसमें क्या है कि हमने ज्ञान का संश्लेषण नहीं किया, सिर्फ पाठ्यक्रम का संश्लेषण किया. पाठ्यक्रम में से कुछ कुछ विषय ऐसे, टॉपिक ऐसे जोड़ दिए जो हम कई एस्पेक्ट से, कई डिसिप्लिन के वेरियस पर्सपेक्टिव के हिसाब से पढ़ सकें. टू और थ्री डिसिप्लिन कम टुगेदर विद आइडियाज एंड मेथड्स फ्रॉम रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन विच कुड बी यूजफुल टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन. इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि कोई भी ऐसी समस्या हो सकती है जिसको हम कई विषयों के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहें, कई विषयों का हम उसमें मेथड लगा दें, मेथडोलॉजी लगा दें, आइडिया लगा दें, कंसेप्ट लगा दें. और क्या है, फॉर एग्जाम्पल
जैसे ये कह रहे हैं, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आर यूजफुल एज दे हेल्प टू अप्लाई इकोनॉमिक थियरी फॉर एम्पिरिकल टेस्टिंग. मतलब इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमको इकोनॉमिक थियरी देखनी है, कहाँ उतार है, कहाँ चढ़ाव है, कहाँ ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है. तो हमने एक इकोनॉमिक थियरी पढ़ने के लिए इकोनॉमिक्स को भी ले लिया, स्टैटिस्टिक्स को भी ले लिया, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो गई. लेकिन उस इकोनॉमिक थियरी में हमने नॉलेज की सिंथेसिस नहीं की है फॉर विच स्टैटिस्टिकल टूल्स आर यूजफुल, इसलिए हमने स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की. नो न्यू नॉलेज इज क्रिएटेड हेयर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी नए प्रकार के ज्ञान की रचना नहीं हो रही है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में. आगे देखने से बहुत अच्छा लग रहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन तो बहुत बढ़िया होना चाहिए कि हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. लेकिन कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी आज तक कंसेप्ट ऐसा नहीं आया है जिसका कोई डिसएडवांटेज नहीं हो. तो इसके भी हैं, ये देखिए मास्टर सॉफ्ट एजुकेशन करके है, मैंने इसको चूंकि वहां से लिया इसलिए मैंने इसको क्रॉप नहीं किया, इसको लगे रहने दिया कि ये मेरा बनाया हुआ नहीं है. तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के एडवांटेजेस क्या है? प्रिविलेज टू चूज, हमारे पास ये प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है कि हम चुन सकते हैं. स्टूडेंट्स गेट टू चूज देयर सब्जेक्ट्स, कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, है ना. रीच विद इन टू डिस्कवर पैशन, मतलब स्टूडेंट्स कैन डिस्कवर देयर इंटरेस्ट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग जर्नी. यानी कि हम डिफरेंट जो हमारे विषय पहले क्या होता था, बड़ा संकीर्ण था, बड़ा ये जो बाउंड्रीज थी वो रिजिड थी कि अगर हम साइंस के विद्यार्थी हैं तो हम आर्ट्स का विषय नहीं पढ़ सकते, आर्ट्स के हैं तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते, कॉमर्स नहीं पढ़ सकते, इस तरीके का. लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, एकदम इसको फ्लेक्सिबल करा दिया. आप अब तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, तो बहुत फ्लेक्सिबल हो गया है, ऑटोनॉमी मिल गई है स्टूडेंट को. और प्रेगमेटिज्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी भी बात हो गई कि इट्स सूटेबल, इट इनेबल्स स्टूडेंट्स टू क्रिएट देयर ओन पाथ. मतलब हमको अपना विषय अपने तरीके से हम अपना रास्ता चुनेंगे, कि टेलर मेड हमारा, हम खुद बनाएंगे अपना रास्ता, कोई और हमारे लिए हमारा रास्ता नहीं बनाएगा. तो ये बहुत सारी अच्छी नई प्रोग्रेसिव हमको एडवांटेजेस दिख रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी में. बट देयर आर डिसएडवांटेजेस टू, डिस्ट्रैक्शंस. वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स में मेक दी स्टूडेंट्स फील लॉस्ट. मतलब हमको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली हम पढ़ कौन सा विषय रहे हैं, हमारा स्पेशलाइजेशन क्या है. देखिए जितना भी मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी में भी आप जाएंगे तो ये स्पेशलाइजेशन को लैक करता है. मतलब हम स्पेशलाइज नहीं हो रहे कहीं, क्योंकि हम फैले हुए हैं, बहुत तरीके के हम विषय पढ़ रहे हैं, बहुत तरीके का हम ज्ञान ले रहे हैं. ओके, नो मास्टर ओनली जैक. देखिए हम लोग को पहले क्या कहा जाता था कि अब हम मास्टर किसी के नहीं है, बस हमको सुपरफिशियली लेवल पर या थोड़ा बहुत हमको बहुत सारे विषय आते हैं, लेकिन हम किसी भी एक विषय के मास्टर नहीं बन पाएंगे अगर हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से चलेंगे. तो द स्टूडेंट मे हैव गेन नॉलेज ऑफ एवरीथिंग बट नॉट बी मास्टर ऑफ एनीथिंग. वो किसी भी एक चीज की मास्टर इस पर नहीं होगी, हाँ बहुत सारे विषय वो जान सकेगा. और मे क्रिएट कन्फ्यूजन्स, द स्टूडेंट्स मे फील कन्फ्यूज अबाउट द चूजिंग द सब्जेक्ट एंड कोर्सेज. जब बहुत सारा ऑप्शन होता है हमारे पास तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं ना कि ये लें कि ये लें कि ये लें, कौन सा लें, कौन सा ज्यादा अच्छा है, किसका करियर प्रोस्पेक्टिव ज्यादा अच्छा है, इस तरीके की बातें. तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है. तो लेकिन कुछ विषय, कुछ टॉपिक आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ सकते हैं, इट इज ऑल वेल एंड गुड. ओके, तो ये तो रहा मल्टी डिसिप्लिनरी. अब आता है इंटर डिसिप्लिनरी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जटिल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. अर्ली इंस्टेंसेज ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द करिकुलम इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट प्रमोटेड इन द 1930s. यानी कि हमको आज लग रहा होगा कि हम कुछ बड़ा नया बात करने जा रहे हैं, लेकिन 1930 से ये बात की जा रही है कि करिकुलम का इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट 1930 में आया था. ओहो, आई डबल हो गया, एन चला गया, यू आ गया, कुछ गलती टाइप हो गया, ठीक है. बट इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन रियली इमर्ज इन द 1970s. बट जो ये इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया है वो 1970 में आया है. अब देखते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या लोगों ने इसके बारे में कहा है, क्या इसके पॉइंट्स है, क्या बेनिफिट्स है, क्या डिसएडवांटेज है, और क्या अंतर है मल्टी डिसिप्लिनरी से. तो द डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमको डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन में मिलते हैं. कार्टर वी गुड 1973 में कहते हैं, डिफाइंस इंटीग्रेटेड करिकुलम के पहले समझते हैं कि इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या है. एक करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन विच कट्स अक्रॉस सब्जेक्ट मैटर लाइंस. देखिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी डिसिप्लिनरी से यही अंतर स्पष्ट हो जा रहा है. कट अक्रॉस सब्जेक्ट मैटर लाइन है, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी में नहीं था. उसमें सिर्फ नॉलेज, सिर्फ करिकुलम का इंटीग्रेशन था, नॉलेज का इंटीग्रेशन या नॉलेज की सिंथेसिस नहीं थी. कट्स अक्रॉस सब्जेक्ट मैटर लाइन्स टू फोकस अपॉन कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ प्रॉब्लम्स और ब्रॉड एरियाज ऑफ स्टडी दैट ब्रिंग टुगेदर द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ करिकुलम इनटू मीनिंगफुल एसोसिएशन. देखिए मीनिंगफुल एसोसिएशन मल्टी डिसिप्लिनरी में नहीं था, वो सिर्फ कह रहा है कि हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ करिकुलम को इंटीग्रेट करके पढ़ लेंगे. लेकिन इसमें ये उससे वन स्टेप
अहेड। फिर क्या कह रहे हैं, कोकले मैंस डिफाइन कर रहे हैं इंटर डिसिप्लिनरी को कि हम अंतर अनुशासनात्मक किसको बोलेंगे, एज टू सॉल्व अ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हुज सॉल्यूशन, सॉरी कॉल आ रही, टू सॉल्व अ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हुज सॉल्यूशन कैन बी अचीव्ड ओनली बाय इंटीग्रेटिंग पार्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन्स। यानी कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, देखिए हमारा विश्व, हमारा जगत, हमारा संसार कठिनतम होता जा रहा है, जटिलतम होता जा रहा है, समस्याएं भी जटिल और जटिल से जटिलतम होती जा रही है, तो एक अनुशासन के पास उतना सामर्थ्य नहीं है कि उसको सॉल्व कर सके, इसलिए हमको डिफरेंट एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन को इंटीग्रेट करके हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, एक डिसिप्लिन से सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारी नई खोजें इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन या इंटर डिसिप्लिनरी करिकुलम के अंतर्गत आई हैं, अभी आपसे बात करती हूँ आगे। फिर इंटर डिसिप्लिनरी is a knowledge, interdisciplinarity is a knowledge view and curriculum approach that consciously applies methodology and language, यानी हमने जान बूझ के किया, ऐसे नहीं कि randomly नहीं, haphazardly नहीं जोड़ दिया है किसी को, जिसको जिससे जुड़ना था, जिससे जुड़ के कुछ meaningful association बन रहा था तब जोड़ा गया, from more than one discipline to examine a central theme, topic, issue, problem or work, यानी कि कोई केंद्रीय मुद्दा है, कोई विषय है, कोई समस्या है, कोई कार्य है, उसको सुलझाने के लिए कॉन्शियसली हमने डिफरेंट डिसिप्लिन की मेथोडोलॉजी लैंग्वेज को अप्लाई किया है। ये हमको कह रहे हैं हेडी हेज जैकब्स इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में 1989 में, ठीक है। फिर और क्या है इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन, जॉन्स हमको 2012 में बताते हैं कि इट इंटीग्रेट्स इन्फॉर्म, मतलब जोड़ता है, ये तो क्लियर हो गया कि समीकरण एकीकरण है, संगठित करना है किसको किसको, इन्फॉर्मेशन को, सूचना को, पर्सपेक्टिव को, मुद्दे, उनका व्यू पॉइंट, कंसेप्ट, थेरीज, अरे बाबा लगातार कॉल आ रही, कंसेप्ट्स और थियोरीज फ्रॉम टू और मोर डिसिप्लिन्स ऑफ स्पेसिफाइड नॉलेज टू एडवांस फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग और टू सॉल्व प्रॉब्लम्स हुज सॉल्यूशंस आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ए सिंगल डिसिप्लिन। कहा ना कि एक सिंगल डिसिप्लिन उसको सॉल्व ही नहीं कर सकता, उसके स्कोप से बियॉन्ड है वो प्रॉब्लम, तो उसको हमने क्या किया है कि टू और मोर डिसिप्लिन्स जिसमें कि कोई स्पेसिफाइड नॉलेज है उससे हमने लेके कोई फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हमने क्रिएट की है। ओके अब The meaning as well as the process of interdisciplinary education is complex. ये जटिल है, प्रक्रिया भी, इसका अर्थ भी, and it needs deeper understanding. और इसके लिए आपको एक गहरे लेवल की, मतलब सरफेस लेवल पे बात नहीं हो रही है, डीपर अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। इट इज ऑल्सो द कंजॉइंटमेंट ऑफ डिसिप्लिन, इसमें भी डिसिप्लिन को कंजॉइंट किया गया है। बट हाउ एवर इंटीग्रेशन और सिंथेसिस ऑफ नॉलेज फ्रॉम रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन टेक्स प्लेस इन ऑर्डर टू जनरेट न्यू नॉलेज। पिछली बार मल्टी डिसिप्लिनरी में हम नॉलेज जनरेट नहीं कर रहे थे, यहाँ पे नॉलेज भी जनरेट की जा रही है, विच कैन हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ ए सोसाइटी, जिससे हम समाज की किसी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। द प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व फ्रॉम ए डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी बेसिस ऑफ नॉलेज, यानी कि वो कैसी समस्या होगी जिसको एक डिसिप्लिन या सिर्फ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से हम नहीं सॉल्व कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कई सारे विषय बन गए हैं जैसे डेवलपमेंट स्टडीज, वुमेन स्टडीज, इवन एजुकेशन भी, ठीक है। अच्छा यहीं पर एक बात कर लें कि जैसे इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन के अगर हम बेनिफिट्स देखें, क्या नया खोजा गया, तो बहुत सारी खोजें ऐसी, जैसे डीएनए की खोज हुई, डीएनए की खोज ना सिर्फ केमिस्ट्री कर सकती थी, ना सिर्फ बायोलॉजी कर सकती थी, लेकिन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, न्यूरोसाइंस ने मिलकर डीएनए की खोज की है। तो कितना कितना ये मतलब अभूतपूर्व अलौकिक ये खोज रही विज्ञान के क्षेत्र की, जिससे हम लोगों को कितनी सारी बातें पता चली और अभी भी पता चलती जा रही हैं। तो इस तरीके की दोनों ने अपनी, मतलब कि डीएनए को ना सिर्फ केमिस्ट्री सॉल्व कर सकती है ना बायोलॉजी कर सकती है, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी ने मिलकर किया, न्यूरोसाइंस और भी एक आध विषय। बेनिफिट्स अगर देखें, लाभ क्या है, तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने से, लाभ ही लाभ दिख रहे हैं, जैसे मोर मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस, जो छात्र है उसको मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि बहुत सारे विषयों का उसको ज्ञान मिल रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉस ओवर्स बिटवीन टू डिसिप्लिन, कई डिसिप्लिन क्रॉस ओवर कर रहे हैं, सेगमेंटेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं, तो उसको ज़्यादा अवसर भी मिल रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिंग रियल लाइफ एप्लीकेशन, इससे हम मतलब अपने रोजमर्रा की रियल लाइफ एप्लीकेशन को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, वेरीड परस्पेक्टिव हमको मिल सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लचीलापन मिलता है, ब्रिज द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन प्रोफेशनल्स, मतलब हम अपने विषय के बहुत बढ़िया प्रोफेशनल हैं, आप अपने विषय के हैं, लेकिन हम लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमको कहती है कि आप आइए आपस में बात कीजिए और अपने अपने विषय का विशिष्टतम ज्ञान देकर कुछ नया क्रिएट कीजिए, तो ये कम्युनिकेशन गैप जो है वो ब्रिज हो रहा है, पूरा किया जा रहा है, पाटा जा रहा है। और क्रिटिकल थिंकिंग,
बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, ग्रेटर क्रिएटिविटी और ट्रांसफरेबल स्किल्स, है ना। तो बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। अगर इसको इस तरीके से देखें तो इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग की अगर बात करें तो ये क्या है, देखिए लर्निंग है, लर्निंग और रिफ्लेक्शन और कैपेबिलिटीज, यानी कि लर्निंग क्या क्या हो रही है, हम विषय को तो समझ ही रहे हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस हमको मिल रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, वही जो बेनिफिट था उसको समझिए कि मैं त्रिकोणात्मक तरीके से अब दिखा दिया गया है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं, वेरीड पर्सपेक्टिव है, कम्युनिकेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और कैपेबिलिटीज हमको क्या क्या मिल रही है, क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अंदर डेवलप हो रही है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्रिएटिविटी आ रही है और ट्रांसफरेबल स्किल्स भी आ रहे हैं। कंक्लूड करते हैं, विलियम एच न्यूवेल एंड विलियम ग्रीन 1982 में हमको बता रहे हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है। ये इंक्वायरी है, एक तरीके की खोज है, विच क्रिटिकली ड्रॉ अपॉन टू और मोर डिसिप्लिन्स एंड विच लीड टू एन इंटीग्रेशन ऑफ डिसिप्लिनरी इनसाइट। अंतर्दृष्टि मिल रही है हमको जब हम दो या दो से अधिक विषयों को इंटीग्रेट करते हैं इंक्वायरी फुल मोड में। और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इज यूनिकली डिफरेंट फ्रॉम ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये मल्टी या बहुविषयात्मक बहु अनुशासनात्मक अप्रोच से यूनिकली डिफरेंट है। कैसे, विच इज द टीचिंग ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम मोर देन वन डिसिप्लिन इन पैरेलल टू अदर टू दी अदर। यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या होता है कि कुछ विषयों को, कुछ टॉपिक्स को हम एक से ज्यादा विषयों के दृष्टिकोण से एक साथ पढ़ाते हैं, बस इतना है। Nor is it a cross-disciplinary approach. इसमें हम क्रॉस कट क्रॉस नहीं कर रहे हैं, सेगमेंटेड नहीं कर रहे हैं, क्रिएशन नहीं कर रहे हैं, न्यू नहीं कर रहे हैं, सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, किसकी, नॉलेज की, किसमें, मल्टी डिसिप्लिनरी में। वेयर वन डिसिप्लिन इज क्रॉस्ड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनदर, किसमें, इंटर डिसिप्लिनरी। मैंने कहा कि इंटर डिसिप्लिनरी वन स्टेप अहेड है, डीपर है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और इंटरडिसिप्लिनरी टेक्निक्स अलाउइंग स्टूडेंट्स टू सी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, वर्क इन ग्रुप्स एंड मेक दिस सिंथेसाइजिंग ऑफ डिसिप्लिन्स द अल्टीमेट गोल। यानी कि जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है वो स्टूडेंट को अनुमति देती है कि वो विभिन्न दृष्टिकोणों से देख सके, एक साथ समूह में काम करे, सिंथेसाइज करे डिसिप्लिन को, और अल्टीमेट गोल ही उसका वही है। और नुकसान क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी में सब कुछ अच्छा दिख रहा है लेकिन नुकसान भी है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, मतलब बहुत मुश्किल है, समय की ही तो कमी है ना, हर किसी के पास समय नहीं है। जैसे ही आप सेमेस्टर में घुसते हैं वैसे ही आपको तुरंत सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्जाम देना है, फिर सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर एग्जाम देना है, तो आप सिंगल डिसिप्लिनरी अप्रोच से तो चलना मुश्किल हो जाता है। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए कितना समय और उसमें एक्सपर्टीज और रिसोर्स चाहिए, इवन फैकल्टी और आपका फैकल्टी मेंबर की है ना। तो इंटरडिसिप्लिनरी करिकुला इज टाइम कंज्यूमिंग, सबसे बड़ा जो इसका दोष है, एंड टेक्स कोलैबोरेटिव टीम वर्क टू क्रिएट। और जानते हैं आपकी कोलैबोरेशन कितना मुश्किल है, कौन से विषय का, कौन सा अध्यापक की कौन सी बात को कितनी महत्ता देनी है, तो इसको तय करना इतना आसान नहीं। एंड टेक्स कोलैबोरेटिव टीम वर्क टू क्रिएट विच कैन सीम लाइक अ हार्ड एंड एग्जॉस्टिंग डिसएडवांटेज। इसके अलावा सब बढ़िया है, इसमें फ्यूचर है, इसमें निहित। तो आई होप आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग कंसेप्ट समझ में आया होगा कि मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन के बीच में क्या अंतर है। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप 2। डन फ्रॉम माय साइड।